बोली भारत माता की हमें आमंत्रित करता हूँ सबके यशस्वी नेता मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह जी भाई साहब को आज इस अवसर पर हम सबका आदर मैं शोल्डर ले लूं आपका थोड़ा सा। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रभात झा जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्रीमान सुहास भवे जी, हमारे लोकप्रिय विधायक कई राजेश्वर जी, बहन कृष्णा जी, जिलाध्यक्ष सुमित जी, हमारे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जैसा भी माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, प्रभात जी कह रहे थे, बचपन से जैसा भी 33 साल की उम्र में कुलपति बन गए यूनिवर्सिटी में, और पहली बार उन्होंने कहा विश्वविद्यालय में खुद अंग्रेजी को उन्होंने विद्वान कई भाषाओं के जानकार ज्ञाता थे, लेकिन पहली बार विश्वविद्यालय में उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में दीक्षांत भाषण होगा पर बंगला भाषा में अंग्रेजी साम्राज्य के रहते हुए बंगला भाषा में अत्यंत मेधावी हमारे महाराज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न केवल कुलपति हो बल्कि जब बंग भंग हुआ बंगाल को आजादी के समय अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होते तो पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता, जिनके धैर्य और साहस के कारण, जिनकी कर्मठता के कारण आज पश्चिम बंगाल हमारा अंग है। हिंदुत्व का उद्घोष करते हुए वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने, तब महात्मा गांधी ने स्वयं ये कहा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय के बाद हिंदुओं को सच में एक कर्मठ को सच्चा नेता मिला है। हम सब जानते हैं पंडित नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप सब की जानकारी में प्रधानमंत्री की भूमिका में थे, लेकिन कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तुष्टिकरण की नीति के चलते उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ दिया और एक नए दल भारतीय जनसंघ का गठन किया। भारतीय जनसंघ कौशल का नारा कौन करेगा ये सदन भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ से एक नई वैकल्पिक राजनीतिक विचारधारा का उदय हुआ और जो पहला बड़ा आंदोलन हुआ जैसा माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे उन्होंने तय कर दिया। उनके नेतृत्व में जनसंघ के अध्यक्ष थे एक अश्लील धारा 370 नहीं रहनी चाहिए, एक देश में दो निशान दो विधान के प्रधान नहीं चलेंगे, पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया, एक नव जनसंघ पूरे देश को जनसंघ ने खड़ा कर दिया। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कश्मीर भारत का दिनांक है, मैं कश्मीर की धरती पर आ रहा हूँ, बिना परमिट के आ रहा हूँ, बिना पास के आ रहा हूँ, और उन्होंने बिना परमिट और पास के कश्मीर की पवित्र धरा पर प्रवेश किया और वही जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उनका परिवार पर उनका बलिदान का मृत्यु हुई थी, बलिदान का बलिदान आज बलिदान दिवस है। ये केवल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिनके नेतृत्व में जनसंघ ने स्थापना किया भारत की स्वतंत्रता थी, एक लंबा सफर तय करना था। लोग मानते थे ये केवल नारा है, भारत की संकल्प
तो आपने साकार कर दिया है। आज कश्मीर से भारत के सुसंवाद का सम्मान कश्मीर का झंडा उतर के हम भारत माता का झंडा भारत का हिस्सा मेरा कहा है। एक अलग वातावरण जब पूरे इसका श्रेय अगर जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, हम उनके चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते हैं और यही संकल्प करते हैं कि आपके सपनों के भारत को गठित करने में आपने जो संकल्प किया था वो मोदी जी के नेतृत्व में हम सब पूरा करेंगे। मोदी जी और घोष क्या है, आत्मनिर्भर भारत। आज भारत ऐसा भारत है जो तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब भारत ऐसा भारत नहीं है कि बीती बीती से देश आप दिखाते थे तो हमको लगता था कि कुछ कैसे करें। मुझे मालूम था कांग्रेस का 1962 का दौर अब वो चला गया है। अब अगर चीन ने आकर दिखाई तो भारत के सैनिकों की गर्दन तोड़ के हमारे सैनिकों एक व्यवसायी भारत, एक गौरवशाली भारत, एक स्वाभिमानी भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का उदय इस अवसर पर आकर समाज साथ मुखर्जी का मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इस अवसर पर हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में श्रद्धा से प्रणाम करते हुए यही संकल्प लेते हैं कि वैसे भारत के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो कुछ सर्वश्रेष्ठ है उसको थोप कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। हमारे बीच उपस्थित हमारे यशस्वी संवेदनशील और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय सुहास भट्ट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद नयन प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, जिले के सम्माननीय अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी, हमारे गोलखुरा के विधायक नयन कृष्णा गोयल जी और आज इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इस प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों के लिए आज हम सब लोगों के लिए एक सौभाग्य का दिन है। इस दिन को देखने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि के इस अवसर पर जिसको हम बलिदान दिवस के तौर पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस रूप में लेने का प्रयास करता है कि आज इस संगठन का कार्यकर्ता है जो दुनिया का सबसे बड़ा आईडेंटिटी दल बनकर के आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में अपने भारत
लेकिन तृणमूल इसको हम कहते हैं कि हम सब के संवाद करने के वर्ष क्यों है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश के यशस्वी गृह मंत्री दोनों लोगों ने मिलकर के इस देश के अंदर अलग प्रकार का प्रयोग आपने किया इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ।